आप इन्होंने तो पूनम पांडे को पीछे छोड़ दिया, इतने तो पूनम पांडे की लोग वीडियो नहीं देख रहे जितने कि इनके पास खाने के लिए आते हैं। तो ये बात सच है, इतनी तो पूनम पांडे की वीडियो वायरल नहीं हो रही, इतने तो आपका डोसा वायरल है जी। बड़े रेस्टोरेंट में आप पहले काम करते थे, हाँ जी, वहाँ से सीखा आपको खुंदक आ गई, आपने अपना काम शुरू कर दिया। तो जहाँ पर आप काम पहले करते थे, हाँ जी, तो उसने बोला नहीं आपको, ऑब्जेक्शन नहीं करी यार तूने तो अपना काम शुरू कर दिया। हाँ जी दोस्तों, आज हम पहुंच चुके चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में हमने ऐसी शॉप ढूंढ निकाली है जनाब, जहाँ पर बहुत ही जबरदस्त टोपी वाले डोसा बनाते हैं, मसाला डोसा बनाते हैं, और भी बहुत ही डिफरेंट टाइप के डोसा मिलते हैं यहाँ पर। और जनाब इन्होंने तो पूनम पांडे को पीछे छोड़ दिया, इतने तो पूनम पांडे की लोग वीडियो नहीं देख रहे जितने कि इनके पास खाने के लिए आते हैं ये डोसा। हाँ जी नमस्कार भाई, कैसे हैं? बस सर बढ़िया सर। बढ़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद है सर। इरशाद, हाँ जी। अच्छा इरशाद भाई, ये टोपी वाला डोसा आप भी बनाते हैं? हाँ जी हाँ जी। ये डोसा तो हरिद्वार में मिलता था, आप चंडीगढ़ में बनाने लगे? हाँ जी चंडीगढ़ में ही मिलता है सर। चंडीगढ़ में मिलता है? हाँ जी, मैं यहीं पे काम सीखा। अच्छा, चंडीगढ़ पे? चंडीगढ़ में काम सीखा? हाँ जी, रेस्टोरेंट पे। और चंडीगढ़ में तो सर रेस्टोरेंट का नाम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट का नाम नहीं बता सकते? हाँ जी। अच्छा क्या बात है इरशाद भाई, तो ये डोसा आपके पास तो बहुत लोग खाने के लिए आते हैं, दीवानगी फुला रखी है। कितने सालों से खिला रहे लोगों को आप? अभी मेरे को साल हो गया सर। एक साल? हाँ जी। अच्छा, तो सबसे ज्यादा कौन सा फेमस है, मोस्ट फेमस मसाला डोसा? फेमस तो सबसे है, मगर सबसे ज्यादा मसाला चलता है। सबसे ज्यादा कौन सा चलता है, कौन सा बिकता है? मसाला डोसा। मसाला डोसा, हाँ जी हाँ जी। ये टोपी वाला नहीं बिकता? नहीं, ये बहुत कम, मसाला डोसा ज्यादा बिकता है। अच्छा, ये प्लेन होता है ना, और मसाला डोसा में आलू वगैरह सब पड़ते हैं ना। अच्छा, ये प्लेन होता है? हाँ जी। तो इसमें कुछ डाल के फिलिंग भी तो कर सकते हैं? नहीं जी, फिर नहीं जी। तो आपके पास अगर टाइम होता है एक बार दिखा देंगे इसके साथ सब्जियां कौन सी खाने के लिए देते हैं, चला के दिखा दो एक बार। हाँ जी हाँ जी, है ना, पता लग जाएगा हम। ये लो जी सबसे पहले की ये अपना सांभर है। ये सांभर है, चला के दिखाना ऊपर तक। क्या क्या डालते हैं सांभर में? इसमें उड़द दाल पड़ते हैं, कद्दू वगैरह सब कुछ, सब्जी वगैरह सब कुछ मिक्स। ये आप खुद ही बनाते हैं? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, और क्या देते हैं इसके साथ खाने के लिए? इसके साथ सांभर रहेंगे, चटनी रहेंगे। सांभर और चटनी? हाँ जी, अभी लगा के दिखा। अच्छा, दिखाना एक बार सांभर चटनी भी दिखा दो। ये कौन सा डोसा बना रहे हैं? ये प्लेन डोसा है सर। प्लेन डोसा? हाँ जी। मुझे लगा ये टोपी वाला डोसा बना रहे हैं। नहीं, ये प्लेन डोसा है। प्लेन डोसा, हाँ जी। क्या बात है भाई साहब, ये 40 का आएगा सर। 40 का? और इसके साथ ये नारियल वाली चटनी? हाँ जी, नारियल चटनी रहेगा। ओहो भाई साहब, 40 रुपए की प्लेट है, दमदार। और बड़े रेस्टोरेंट में आप पहले काम करते थे? हाँ जी। वहाँ से सीखा आपको खुंदक आ गई, आपने अपना काम शुरू कर दिया? नहीं नहीं, मेरे को पसंद नहीं था नौकरी। नौकरी करना पसंद नहीं था? नहीं, भाई साहब इसलिए अपना काम शुरू कर दिया। मैंने अपना कर दिया। तो ये रिफिल करवानी हो जैसे, ये और ले सकते हैं एक्स्ट्रा दाल सब्जी? हाँ जी हाँ जी, जितना मर्जी उतना सांभर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, ये सर 40 का है। ये 40 का है? हाँ जी। तो ये बनाते रहते हैं, सिलसिला चलता रहता है। कितने बजे शॉप ओपन होती है आपके खाने के लिए, कितने बजे? 12 से 5 सर। 12 से 5? हाँ जी। सेम अड्डा? हाँ जी हाँ जी। कहाँ पर बैठे हैं आप ये? 34A में। 34A चंडीगढ़ में? हाँ जी, एसयू नंबर 134-35 के सामने। तो सुबह 12 बजे आते हैं, शाम को कितने बजे आते हैं? 5। 5 बजे? हाँ जी, 5 बजे ले जाते हैं। बस 5 बजे बंद। तो जहाँ पर आप काम पहले करते थे, हाँ जी, तो उसने बोला नहीं आपको, ऑब्जेक्शन नहीं करी यार तूने तो अपना काम शुरू कर दिया? वो क्या बोलेगा, मेरा मन था, बस शौक था ना। शौक था? हाँ जी जी। तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लोग तो हाँ जी दबा के आते हैं खाने के लिए? क्या बात है। तो वीक में कोई छुट्टी छट्टी भी लेते कि संडे ही आते? संडे छुट्टी लेते? हाँ जी, संडे को रेस्ट है। हाँ जी हाँ जी। फिर तो कॉल कर करके तंग कर देते होंगे आपको, यार हमने डोसा खाना है। फोन नहीं आता आपको? नहीं, बंद रहते ना संडे को, ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद रहते हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी। ये कौन सा डोसा बना रहे हैं? ये सर मसाला डोसा आएंगे। मसाला डोसा बना रहे हैं, टोपी वाला की विदाउट टोपी वाला? नहीं सर, ये स्पेशल मसाला है ना। स्पेशल मसाला? हाँ जी। ये मसाले में क्या डालते हैं स्पेशल में? स्पेशल में तीखा वाला चटनी पड़ेगा, सेजवान चटनी होता है। सेजवान चटनी होती है, रेड चिल्लीज वाली? हाँ जी हाँ जी। ये देखो भाई साहब, मेला लगा रहता है, लोग खाने के लिए स्पेशल आते हैं इनके पास। तो ये बात सच है, इतनी तो पूनम पांडे की वीडियो वायरल नहीं हो रही, इतने तो आपका डोसा वायरल है जी। है भाई जी, कह रहे हैं सच बात है? नहीं नहीं सर, है यार, झूठ मत बोलो। ये मसाले डोसे की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन। ये लो भाई साहब, ओनियन आ गई, स्क्रैच से हम आपको रेसिपी दिखा रहे हैं। तो ये बैटर जो आपका है, ये रोज नवा रहता है कि आप आज वाला कल भी यूज कर लेते हैं? नहीं सर, बसता नहीं अपने पास, बसता ही नहीं, फ्रेश रहता। तो कितने डोसा बना लेते हैं एक दिन में आप? 70-80। 70-80? हाँ जी। उतना ही पेस्ट लेके आते हैं जितना आपका लग जाएगा? हाँ जी हाँ। है ना, क्या बात है जनाब। और कितनी दूर दूर से खाने के लिए आते हैं? ये पूरा एरिया आते हैं। पूरा एरिया? हाँ जी, ये 34A का जितने भी एरिया है। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? हाँ जी। तो बिहार से नहीं आया कोई खाने के लिए आपके पास? है सर ये बंदा, एक एक ही आता बिहार से, डर गया था मैंने, कहा बिहार से कहीं रोज सामने दुकान है। ओ भाई साहब, फिर तो बिहार में भी आपकी फैमिली को, आपकी सोसाइटी को पता लग गया होगा कि आप यहाँ पर अपनी शॉप खोल ली आपने चंडीगढ़ में। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है। तो कम से कम आपको एक साल हो चुका है यहाँ पर? हाँ जी हाँ जी। तो आपको जो आप चाहते थे वैसे हो गया? जी जी। रेस्टोरेंट है ना? हाँ जी हाँ जी। ये आपका स्ट्रीट फूड वाला रेस्टोरेंट है जी, तो इससे बड़ा रेस्टोरेंट चाहेंगे आप मेहनत करके? हाँ जी हाँ जी, इससे जरूर जी। कि अपनी ब्रांचेस खोलेंगे अलग अलग? नहीं, वो देखा जाएगा सर, देखा जाएगा। क्या बात है भाई साहब। और इरशाद भाई, हम चाहते हैं आपका एक बड़ा रेस्टोरेंट हो, और सबसे पहले कस्टमर हम, मेहनत करते रहिए, है ना, होगा, लगन से काम करिए,
और आपके साथ ना बात कर बहुत अच्छा लगा यार, मोटिवेशन वाली फीलिंग आई मुझे। थैंक यू। और आपने हमारे को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पाजी। थैंक यू जी। ओके जी।